इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। डिंडोरी जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी सहित सहायक नदियां उफान पर है। वहीं डिंडोरी के प्रमुख पुलों से पानी ऊपर बह रहा है। अधिक वर्षा होने और पुलों के ऊपर से पानी बहने की वजह से डिंडोरी जबलपुर मंडला अमरकंटक सहित अन्य जिलों को जोड़ने वाले मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। वहीं जिला मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नर्मदा तटों के प्रमुख घाटों पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस द्वारा लगातार लोगों को अधिक बहाव वाले स्थानों और पुलों के समीप जाने से रोका जा रहा है। घर जाने लगे लगभग सभी नदी नाले उफान पर। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से क्या है आप देख रहे हैं क्षेत्र में भी बंद की सूचना आ रही है। विक्रमपुर में एक जगह नाला हाईवे के ऊपर है और अमरपुर कमनापुर वाला जो कॉन्टैक्ट है वो भी अभी डिस्कनेक्टेड है। सर अभी तक कहीं जल भराव की कहीं ऐसी जानकारी? अभी तक मिट्टी बस्ती हो गया, हमारे यहाँ समस्या थोड़ी सी कम है तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, परंतु पुलिस सभी जगह नजर रख रही है और जो निचली बस्तियाँ हमने पहले से सूचना दे दी गई है, आवश्यकता पड़ेगी तो खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।